नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में शराब से हो रही लगातार मौत के बीच आरजेडी ने जदयू का नामांकन कर दिया है। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि जदयू का जे का मतलब होता है जहां, डी का मतलब होता है दारू और यू का मतलब होता है अनलिमिटेड, यानी जदयू मतलब जहां दारू अनलिमिटेड। बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत की खबरें आ रही है और उसको लेकर आरजेडी आक्रामक है। क्या बोला था फोन करके? बोला था ये ना भैया वो आदमी कहे घर अलग दारू पी। जहरीली शराब से लगातार मौत को लेकर तीखा हमला बोलते हुए आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। हर गली में शराब की दुकान खुलवाने वाले नीतीश अब महात्मा बनने का ढोंग रच रहे हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है। पहले सिवान और छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत हुई और अब मुजफ्फरपुर में भी जहरीली शराब से मौत हुई है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर घर उपलब्ध शराब हो रहा है, वहीं जहरीली शराब से मौतें हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका सीधा जवाब है नीतीश कुमार यानी जेडीयू। वहीं नीतीश के बारे में कहा गया कि उन्होंने हर गली में दारू का दुकान खुलवा दिया। वहीं नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए आरजेडी के तरफ से कहा गया कि इन्होंने चौक चौराहे पर शराब की दुकानें खुलवाने का पूरा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब से हजारों जान लेने वाले मुख्यमंत्री अब महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपने शुरू के 10 वर्षों में बिहार में शराब की खपत बढ़ाने के हर उपाय किए और अब अवैध शराब बिकवाने के हर उपाय कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के इस तथ्यों को झुठला सकते हैं कि क्या 2004 और 5 में बिहार के ग्रामीण इलाकों में 500 से भी कम शराब की दुकानें थी, लेकिन 2014 से 15 में उनके शासन में यह बढ़कर 2360 हो गई, यानी 2004 और 5 में पूरे बिहार में लगभग 3000 शराब की दुकानें थी, जो 2014 से 15 में बढ़कर 6000 से अधिक हो गई। वहीं जदयू पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि 1947 से 2005 यानी 58 साल में बिहार में सिर्फ 3000 शराब की दुकानें ही खुली है, लेकिन 2005 से लेकर 2015 तक नीतीश जी ने 10 साल में इसे दोगुना कर 6000 कर दिया। 58 साल में बिहार में हर साल औसतन 51 दुकानें खोली गई, लेकिन 2005 से 15 के 10 साल नीतीश राज में हर साल औसतन 300 दुकानें खुलती चली गई। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। अभी बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, वहीं इसकी तुलना में महाराष्ट्र जहां शराबबंदी नहीं है वहां शराब पीने वाले पुरुषों का प्रतिशत महज 13.9% है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% और शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। फिर भी नीतीश कुमार जी के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू है, ये क्या मजाक नहीं है? तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार की तथाकथित शराबबंदी के बाद भी स्थिति इतनी बदतर है कि एक आंकड़े के अनुसार बिहार में हर दिन औसत 400 से ज्यादा लोगों की शराब से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी होती है। वहीं बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग की ओर से प्रदेश में हर दिन करीब 6600 छापेमारी होती है, यानी औसत हर घंटे 275 छापेमारी होती है। इसका मतलब है कि बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग हर महीने लगभग 2 लाख तथा प्रतिवर्ष 24 लाख जगह छापेमारी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार लगातार जारी है। वहीं आरजेडी की तरफ से कहा गया कि
जब्त शराब को बाद में जदयू नेताओं, शराब माफिया और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से इसे बाजारों में बेच दिया जाता है। वहीं शराबबंदी के बाद भी एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 3,46,00,000 लीटर से अधिक अवैध देशी और विदेशी शराब पकड़ी जा चुकी है। ये कौन लोग हैं और किसके अनुमति से शराबबंदी के बावजूद भी ये कारोबार इतना फल फूल रहा है? वही सरकारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी के उल्लंघन में 8,43,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल 12,07,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 12,07,000 लोगों में 95% दलित और दूसरे वंचित जातियों के लोग थे। वहीं शराबबंदी के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं वंचित जातियों के साथ होता जा रहा है। वहीं बिहार में लगभग अवैध कारोबार के रूप में 30,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चलाया जा रहा है, जिसका फायदा जदयू को और उसके नेताओं को मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी के जो प्रवक्ता है उनका बयान आया है। उन्होंने जदयू का जो नामांकन किया था उसके बारे में क्या वो कह रहे हैं, एक बार उस वीडियो को सुन लीजिए। जदयू का मतलब ही होता है जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध हो, जैसे जहां जिसे दारू यूसे अनलिमिटेड उपलब्ध। मने बिहार में मानो कि कोई ऐसा इलाका नहीं है, हर घर में उपलब्ध है शराब। ये हालात है बिहार के अंदर में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद। एक पैरेलल इकोनॉमी, लोग जहरीली शराब से मौत को गले लगा रहे हैं, आंख की रोशनी जा रही है, और बिहार के शासक चुपचाप सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार को फलने और फूलने दे रहे हैं। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। शराब घोटाला होता रहा, लेकिन शराब माफियाओं पर नकेल नहीं कसी गई। जनता दल यू के पदाधिकारी पकड़े गए कुछ साल पहले, जब अधिकारी पकड़ा था अधिकारी ने जदयू के पदाधिकारी को, तो वहां से सुप्रिंटेंडेंट ही बदल गए। अभी हाल ही में तो कई ऐसे जदयू के प्रभावकारी लोग पकड़े गए, लेकिन शराब का कारोबार फल और फूल रहा है। बिछवाने वाला कौन है बिहार के अंदर में? शराब से बिहार की जनता हो रही है बर्बाद, और जदयू इसके लिए पूरी तरह है जिम्मेदार। तो आपने देखा कि आरजेडी के प्रवक्ता किस तरीके से जदयू का नामांकन कर रहे हैं, जदयू के बारे में बता रहे हैं और शराबबंदी को लेकर के पोल खोल रहे हैं। लेकिन इसके ठीक बाद जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बहुत ही आक्रामक तेवर के साथ आरजेडी के खिलाफ जो है अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी इस तरह की बात ना करे, इस तरह से नामांकन अगर करते हैं तो पार्टियों की फजीहत ही होगी। और फिर उन्होंने गुस्साते हुए आरजेडी के बारे में भी कहा है, एक बार उस बयान को भी आप सुनिए। नामांकन करते हैं तंगो तबाह हो जाइएगा, इतिहास गवाह है कि नामांकन से राजनीति पे फजीहत हुआ है। नाम अगर अच्छा सुनना पसंद करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल का अर्थ है राष्ट्रीय जहरीला दल, जिसने समाज में जहर डाला, जाति का, धर्म का, अपराध का, हत्या का, फिरौती के लिए अपहरण का, भ्रष्टाचार के तो कुल शिरोमणि हैं ही। तो आपने देखा कि जदयू के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।